हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अचानक भारत पहुंची इसराइल की कई मिसाइलें, क्या चाहती है सेना? इंडिया इसराइल स्पाइक मिसाइल। ओए होए, मैं पता पूछने वाली थी कि भाई कौन सी मतलब बॉर्डर पे गए हैं लगाने के लिए ये हुई हैं, क्योंकि देखो दो हैं ऐसे हमारी वैसे किस्मत इतनी ख़राब है कि हमें नेबर्स ऐसे मिले हैं कि क्या करें। तो वहाँ से एक पाकिस्तान और एक वो चाइना। अब ये पाकिस्तान के लिए कि ये चाइना के लिए, ये तो वीडियो देखिए, अभी तो इसराइल से आई हैं मगर 5-6 साल में इसराइल को हमारी जाएंगी, वो तो है। हम एक्सपोर्ट करेंगे अभी तो मिसल्स को। बिल्कुल, वो तो होने वाला है, पर स्पेशली इसराइल से आई हैं, क्यों आई हैं ये पता करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसराइल ने भारत को कई मिसाइलें भेजी हैं। इसराइल की ये मिसाइलें बेहद ही खतरनाक हैं। दुनिया के करीब 38 देश इसराइल की इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारत को इन्हीं मिसाइलों का सबसे खतरनाक वेरिएंट भेजा गया है। इसराइल ने भारत को जो मिसाइलें भेजी हैं, वो दुश्मनों के टैंकों को कांच की तरह चकनाचूर कर सकती हैं। अब इन्हीं मिसाइलों का पहला कंसाइनमेंट भारत पहुंच चुका है। इसराइल ने भारत को स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भेजी हैं। भारत को स्पाइक NLOS वेरिएंट भेजा गया है। NLOS यानी नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो फायर होने के बाद नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल कई बार रास्ता बदल सकती है। मिसाइल और टारगेट के बीच चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, लेकिन ये मिसाइल सीधे टारगेट पर ही हमला करती है। जब भी आप किसी टारगेट पर निशाना लगाते हैं तो आंख की सिधाई में निशाना लगाया जाता है। इसे लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। लेकिन इसराइल की स्पाइक NLOS मिसाइल वहां भी पहुंच जाती है जहां आप सीधे निशाना नहीं लगा सकते। कई बार टारगेट तेजी से अपनी जगह बदल लेता है, ऐसे में ये मिसाइल पीछा करती है और टारगेट को उड़ा देती है। स्पाइक NLOS मिसाइल 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य पर हमला कर सकती है। अब इसराइल की इसी मिसाइल की पहली खेप भारतीय वायुसेना को दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना इस मिसाइल को अपने MI-17 और अपाचे हेलीकॉप्टर में लगाएगी। भारत के पास ये मिसाइलें आते ही अब चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के टैंकों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। बताया जाता है कि दुनिया की कई बड़ी जंगों में जिन देशों के पास इसराइल की ये मिसाइलें थी, उन देशों को जंग में टैक्टिकल एडवांटेज मिला। बहरहाल बताया जा रहा है कि भारत ने फिलहाल स्पाइक NLOS मिसाइलों की सीमित संख्या ही ऑर्डर की है। भविष्य में मेक इन इंडिया के तहत इन मिसाइलों को बड़ी संख्या में लेने पर विचार किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत ये इसराइली मिसाइलें भारत में बनाई जा सकती हैं और इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी विचार हो सकता है। शुरुआत में भारत इसराइल की ये मिसाइलें नहीं खरीद रहा था, क्योंकि भारत खुद ही खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें बनाने में लगा हुआ है। लेकिन दुनिया भर में बढ़ते जा रहे युद्ध के खतरे और चीन पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की वजह से भारत ने कुछ मिसाइलें इसराइल से अभी खरीदने का फैसला कर लिया। इसराइल से ये मिसाइलें बैकअप के तौर पर ली गई हैं, लेकिन भारत अपनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों पर काम जारी रखेगा। भारत के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें बेहद जरूरी है। चीन ने भारत की सीमा पर सैकड़ों टैंक तैनात कर रखे हैं। अगर कभी भी जंग की नौबत आई तो सबसे पहले टैंक ही हमला करते हैं। ऐसे में भारत के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होनी ही चाहिए। मैं बता क्या सोच रही हूँ, जितनी चीन ने अपने टैंक रखे ना, उससे 2 गुना हमारे पास मिसाइल होनी चाहिए, ताकि उसको पता चल जाए कि भाई तुम्हारे जो टैंक है ना, वो बचेंगे ही नहीं, वो कांच की तरह जैसे कह रहे हैं ना, चकनाचूर हो जाएंगे। और ओ माय गॉड, मिसाइल देखी थी वो कैसे, मतलब मेरे को लगा कि जब उन्होंने कहा ना कि हेलीकॉप्टर्स पे लगाएंगे, इंडियन एयरफोर्स को मिल रही है, मैंने कहा इंडियन एयरफोर्स को क्यों मिल रही है, आर्मी को क्यों नहीं मिल रही है? तो क्योंकि मेरे को वीडियो में वो दिखा रहे थे कि हाथ से वो बस शोल्डर पे रख के वो उसको शूट कर रहे हैं और मिसाइल जा रही है। तो एयरफोर्स को इसके लिए दी हुई है ताकि वो ऊपर से जब उड़ेंगे तो एक एक टैंक के ऊपर वो करेंगे और आराम से हो जाएगा, क्योंकि नीचे से तो आपको टैंक इतनी दूर के दिखेंगे नहीं, ऊपर से इजीली आप उसके ऊपर एम करके उसको। देखिए, सबसे क्रिटिकल बात ये थी कि अभी हमने लिमिटेड नंबर्स में, क्योंकि हम खुद बना रहे हैं, इनकी कैपेबिलिटी चेक होगी। हो भी सकता है
रिवर्स आरएनडी करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग होगी, पता चलेगा कि क्या इनकी बेटर है कि हमारी बेटर है। मेक इन इंडिया के तहत जो है बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, वरना हज़ारों लोग हैं जिसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जा सकती है। इंडिया इतना पावरफुल हो रहा है कि लोगों से ये होगा कि तुम्हारी लेंगे मगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, हमारे देश में ही बनाओ जिससे हमारा इकोसिस्टम बने, उसके बाद हम अब उससे बेटर बनाएं। इसीलिए जो है 10 साल में ऐसा होगा कि हम इसराइल को भेज रहे होंगे इस टाइप की मिसाइल्स हाफ कॉस्ट पे। बिल्कुल, बनाने को तो हर कोई बना सकता है, सस्ती कैसे बनाते वो इंडिया बताएगा। सस्ती बनेगा, आर्म्स एम्युनिशन फिर जाएगा इसराइल तो मज़ा आ जाएगा। और ये भी सही है, देखिए काफ़ी सारे देशों के जो रिलेशनशिप इंडिया से बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनको अपने आर्म्स एम्युनिशन बेचने हैं। इसे बहुत बड़े झोल है कि उनको पता है कि इंडिया इतने सारे आम जमीन खरीदता है तो हर कोई जो है जो पैसा सोफिस्टिकेटेड है, बिजनेसमैन जैसे जिसके पास वेपन सोफिस्टिकेटेड हैं, उसमें फ्रांस भी कह सकते हैं, बहुत सारे हैं जो दोस्ती इसीलिए कर रहे हैं कि भाई माल तो हमारा बिकेगा, सामान तो जाएगा, ठीक है हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे। और उनको भी पता आएगा, जैसे रशिया ने सोचा था कि चलो ब्रह्मोस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे, बाद में ऐसा ज़बरदस्त ब्रह्मोस बन रहा है जो रशिया से ही बेटर है, सभी के साथ ही होने वाला है। सोचते हैं अच्छा छोटी मोटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर, ये नहीं पता उसी टेक्नोलॉजी से इवेंचुअली हम इतना ज़बरदस्त बनाएंगे कि उनको तकलीफ हो जाएगी, ओ माय गॉड अब तो हमसे स्ट्रांग बन रहे हैं। तो होने वाला, वो तो होगा ही होगा, मज़ा तब आएगा। और इसीलिए मैं स्टार्टिंग में मैंने बिना वीडियो देखे कहा था मेक इन इंडिया, और इमीडिएट दिखाया कि मेक इन इंडिया का कनेक्शन तो होगा ही होगा। और मुझे इससे ये भी लग रहा है कि सिचुएशन जैसे वो कह रहे हैं ना, सिचुएशन जो है हम ठीक नहीं है और हमें नहीं पता, पर गवर्नमेंट को हमारी पता है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो उनका इरादा जो है नेक नहीं है, और इसलिए हमें, जबकि हम पहले सोच रहे थे कि नहीं लेनी, फिर भी हमने उसके बाद चेंज करके कहा अच्छा कुछ अमाउंट ले लेते हैं अभी के लिए, आप ही की सिचुएशन की हिसाब से, क्योंकि अगर लगता सब कुछ ठीक है तो हमने लेनी नहीं थी, हम वेट करते अपने बनाने की। 38 कंट्रीज मेरे ख्याल से इसराइल से लेती ले, हैं माल, ये लेती हैं, इसीलिए पैसा बनता है कंट्रीज का, वो तो है। 38 कंट्रीज को बेचने अपने को ये फर्क नहीं पड़ता कि भैया अगली कंट्री के बाद टेक्नोलॉजी आ जाएगी, बेच दी ऑफकोर्स वो फ्रेंडली नेशंस को ही बेच रहे हैं, वो तो है। अभी तक मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, ये डिफेंस का एक्सपर्ट ही बता सकता है, अगर मैंने कोई वेपन किसी को बेचा क्या वो बंदा मेरे अगेंस्ट यूज़ कर सकता है वेपन? वो ठीक है तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह करा सकते हो, मगर क्या उसमें ऐसा मैकेनिज्म है कि जब उसी देश की तरफ पॉइंट करते हो तो वो फुस हो जाएगा, चलेगा ही नहीं? बताओ भाई, मेरे को लगता है कि ये सिर्फ पेपर पे एग्रीमेंट होता है कि भाई आपके अगेंस्ट नहीं करेंगे, मगर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसे डिसेबल कर दें जैसे वो आपकी लैंड के ऊपर आए, या फिर उनको ये लगता होगा ये देने के बाद भी हमारे पास उससे, उन्होंने अपने पास उससे बढ़िया हथियार रखे होते होंगे कि अगर ये भेजेंगे तो हम इसको कौशल की बात नहीं है, कोई बंदा अपनी बेस्ट टू बेस्ट नहीं बेचेगा, वो बेचेगा छोटे मोटे ले लो अगर तुम इसे अटैक करते हो तुम्हारे पास और ही पावरफुल चीज है, वो ठीक है, मगर क्या वो चीज डिसेबल होगी? नहीं, सिर्फ पेपर में लिखा होगा कि आप हमें अटैक नहीं कर सकते, अगर किया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चलो बताना भाई कि अगर कोई आपको पता है इसका आंसर तो जरूर शेयर करना, अगर नहीं पता पर किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो बता सके तो उसे पता करके जरूर बताना, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि आप अगर आपका डिफेंस में इंटरेस्ट है तो ये आपको स्टडी करना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अगर कोई टेक्नोलॉजी हम किसी को बेचते हैं तो क्या मेरा अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता? करनी तो नीचे मेरे हिसाब से नहीं, मतलब क्या सेफ मैकेनिज्म है? वो ठीक है, वो तो है कि साइन वाइन कर देगा मगर फिर भी अटैक कर देगा, दुश्मन को ना पेपर का एग्रीमेंट पेपर पे किया हुआ है, कई ऐसी कंट्रीज है तो एग्रीमेंट को करती ही नहीं है ऑनर उसके बाद जब उनका मतलब नहीं होता। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।